नमस्कार, न्यूज जनरेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल हुए। उनकी मौजूदगी भारत के गणतंत्र दिवस पर एक बड़े बदलाव का संकेत है। बदलाव इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत और फ्रांस के बीच जिस तरह से दोस्ती परवान चढ़ी है, उसे देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फ्रांस बहुत जल्द ही भारत के बेस्ट फ्रेंड के तौर पर रूस को रिप्लेस कर सकता है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे भारत और फ्रांस दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बनते जा रहे हैं, और अब हथियारों के मसले पर रूस पर भारत की निर्भरता कम करना क्यों रूस पर अपनी निर्भरता कम करना भारत की मजबूरी क्यों बनता जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उस भरोसे की जो फ्रांस ने पिछले कुछ दशकों में भारत की नज़रों में हासिल किया है। साल 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के इस बड़े फैसले से अमेरिका जैसी दुनिया की उस वक्त की इकलौती महाशक्ति नाराज हो गई थी, और अमेरिका समेत उसके जो तमाम सहयोगी देश होते हैं उन्होंने भारत की आलोचना करते हुए उस पर कड़ी पाबंदियाँ लगाई थी। उस वक्त भारत के दोस्त रूस के अलावा केवल फ्रांस ही इकलौता ऐसा शक्तिशाली और बड़ा देश था जिसने भारत के न्यूक्लियर टेस्ट से जैसे कोई परेशानी नहीं थी। एक ऐसे वक्त में जब आधी दुनिया भारत के खिलाफ थी, तब फ्रांस के लिए भारत के साथ ये दोस्ताना रवैया निभाना भारत को हमेशा याद रहा, और इस दोस्ताना रवैये ने दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक भागीदारी की शुरुआत की जिसे 25 बरस भी होने वाले हैं, हो चुके हैं। और इनके पूरे होने के मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पिछले साल फ्रांस की यात्रा पर भी गए थे, जहां फ्रांस ने मोदी को अपनी बेस्टिल डे सेलिब्रेशन का गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया था। बेस्टिल डे का फ्रांस में वही महत्व है जो भारत में गणतंत्र दिवस का है, और जिस गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनकर इस बार फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों आए हैं। दरअसल फ्रांस भारत के लिए पिछले कुछ सालों में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर्स बनकर सामने आया है, और मुश्किल वक्त में उसने अपना वादा निभाया भी है। 1998 में जब दोनों देशों के बीच में रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई थी, उसके एक साल बाद ही भारत को फ्रांस की दोस्ती को परखने का मौका मिला था। हुआ ये था कि 1999 में पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इस कब्जे को छुड़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था, और उसकी मदद के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। इसका मकसद कारगिल की पहाड़ियों पर बंकर बनाकर बैठे छुपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालना था, बाहर खदेड़ना था। एयरफोर्स के इस अभियान में मिराज 2000 बॉम्बर भी शामिल थे, जिन्हें भारत ने फ्रांस से ही खरीदा था 80 के दशक में। इस ऑपरेशन के लिए भारत को मिराज 2000 में इस्तेमाल होने के लिए स्पेशल अम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, और फ्रांस ने उस मुश्किल वक्त में भारत की हर ज़रूरत को बिना हिचक के पूरा किया। भारत के साथ फ्रांस का ऐसा दोस्ताना रवैया देखकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि फ्रांस जल्द ही रूस की जगह लेकर भारत का एक भरोसेमंद डिफेंस सप्लायर बन सकता है। साल 2018 से 2022 के बीच भारत ने रूस के बाद सबसे ज़्यादा हथियार फ्रांस से ही खरीदे हैं। अमेरिका रूस की जगह भारत का बड़ा डिफेंस सप्लायर बनना चाहता है, लेकिन भारत को रूस जैसी दमदार दोस्ती निभाने वाली कुव्वत का देश एक दोस्त के तौर पर चाहिए, और वो कुव्वत फ्रांस में नज़र आती है। दरअसल भारत पिछले कुछ वक्त से एक भरोसेमंद पार्टनर की तलाश में है, क्योंकि रूस पर जिस तरह से पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगाई हैं, उसके मद्देनज़र अब रूस से हथियारों खरीदना, हथियारों की सप्लाई होना भारत के लिए थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। हथियारों की इस बिक्री के अलावा रूस संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे इंटरनेशनल मंच पर भारत का हमेशा साथ देता आया है। वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, वीटो पावर उसके पास है। रूस की ही तरह फ्रांस भी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के उन 5 देशों में शामिल हैं जिनके पास वीटो पावर है। इसके अलावा फ्रांस यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के बाहर निकल जाने के बाद उसका इकलौता न्यूक्लियर पावर वाला देश है। यानी फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती धीरे धीरे वही रूप लेती जा रही है जो भारत और रूस की दोस्ती का है। भारत की फौजों के पास रूस के अलावा फ्रांस से खरीदे गए बड़े हथियार भी हैं। राफेल फाइटर जेट्स, मिराज 2000 बॉम्बर्स, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, हैमर मिसाइल्स और मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ऐसे फ्रांसीसी हथियार हैं जिन्हें भारत की फौजें बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी सरलता के साथ इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर रूस पिछले करीब 2 साल से यूक्रेन युद्ध में कुछ इस तरीके से उलझा हुआ है कि ये जंग खत्म होती नज़र नहीं आ रही, और ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि रूस भारत को हथियारों की सप्लाई का अपना कमिटमेंट पूरा ना कर सके। और S-400 के मामले में हमने देखा भी है कि तय वक्त पर ये डिलीवरी नहीं हो पा रही है, और ये हो भी रहा है।
ऐसे में पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों से घिरे भारत के लिए एक भरोसेमंद मजबूत दोस्त देश का साथ मिलना बेहद जरूरी है और फ्रांस इस कसौटी पर खरा उतरता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस को भी भारत की दोस्ती की शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही है। फ्रांस दरअसल कहने को तो भले ही अमेरिका की गुट का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर हाल ही में उसे एक बड़ा झटका दे चुके हैं। दरअसल फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ 12 पारंपरिक पनडुब्बी बेचने की डील करने वाला था, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सीक्रेट डील की और परमाणु पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को बनाकर बेचने की डील उन्होंने पूरी कर ली और फ्रांस की डील जो ऑस्ट्रेलिया के साथ थी पारंपरिक पनडुब्बी की, वो कैंसिल हो गई। इंग्लिश बोलने वाले इन तीन देशों, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले को फ्रांस ने एक अपमान के तौर पर लिया और फ्रांस को उम्मीद है कि भारत के रूप में उसे अपने हथियारों का एक नया और बड़ा ग्राहक मिल जाएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। नमस्कार।